फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे बेगुनी यानी कि भाटा की भजिया। चलिए आज उसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें। भाटा को इस तरह से आप काट लें टुकड़े में। आपको चाहिए बेसन, थोड़ा सा चावल आटा, नमक, मिर्ची पाउडर और कलौंजी यानी कि काला जीरा। ठीक है, चलिए बनाना शुरू। एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम लोग डाल लेंगे बेसन। उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, और जो हम लोगों ने नमक, नमक स्वादानुसार दीजिएगा, और मिर्ची पाउडर, और ये कलौंजी जो काला जीरा हम लोगों ने रखा हुआ था वो। इन सबको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, ड्राई हालत में ही, क्योंकि बेसन में लम्स होते हैं बड़े, तो ये सब चंक्स हम लोग तोड़ लेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे सामग्री अच्छे से मिल गई है। अब हम लोग इसमें पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। लीजिए, आपको ऐसा ही एक बैटर तैयार करना है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। अब हम लोग तेल गरम करने के लिए बिठा देते हैं। कढ़ाई बिठा ले और इस पे डाल ले आप व्हाइट ऑयल। तेल को गरम होने दे। जब तेल गरम होगा उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुकी है। अब हम लोग भाटे के ऐसे स्लाइसेस लेंगे और इस पे डिप करेंगे, इस पे अच्छे से कोट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। गैस का जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम रखिएगा। इस तरह से आप कोट करते जाएं और इसको ऐसे डालते जाएं। जब एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप दूसरी तरफ पलट ले और फिर इसको दोबारा फ्राई कर ले। दूसरी तरफ से भी दोनों तरफ से लाल करके सिका के आप इसको निकालें। चलिए, एक तरफ अच्छे से ये सिका गया है। अब हम लोग इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी सुनहरा करके हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। टिश्यू के पेपर के ऊपर निकालिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें सोक कर ले। लीजिए, इसको मंजा बर्तन पे निकाले और गर्मा गर्म परोसे। तैयार है आपकी बेगुनी या फिर भाटे का भजिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।